नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। पानीपत ग्रामीण क्षेत्र से विधायक पद का चुनाव लड़ने वाली महिला बच्चों सहित बैठी है शहरी विधायिका व उसके पति के खिलाफ भूख हड़ताल पर। आपको हम सीधे ले चलते हैं अनिश कौशिक के साथ पानीपत और दिखाते हैं ये खास खबर। पानीपत के शहरी विधायिका व उसके पति सुरेंद्र रेवड़ी के विवाद पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों तरुण का मामला भी अभी शांत ही नहीं हुआ है कि अब एक और महिला ने सुरेंद्र रेवड़ी पर उसके परिवार को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं, क्योंकि वह आज दो दिन के लिए लघु सचिवालय के सामने एलिवेटेड पुल के नीचे अपने बच्चों व परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गई है। महिला का कहना है कि प्रशासन उसकी बात नहीं सुन रहा है और उसे न्याय चाहिए। महिला ने बताया कि 4 नवंबर 2017 को हुए विधायिका रोहिता रेवड़ी के साथ विवाद में मेरे पति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वहीं समझौता करने के लिए उन पर दबाव भी डाला जा रहा है। महिला ने कहा कि धमकाने के लिए विधायिका के पति ने उसके घर लोगों को भी भेजा था, जिसके खिलाफ उन्होंने न्याय पाने के लिए किला चौकी में दरखास्त भी दी है। वहीं वे SP से भी मिले थे और CM विंडो में भी अपनी शिकायत दी है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। मजबूर होकर उन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। वह दो दिन तक भूख हड़ताल पर बैठेगी। कब तक बैठोगे आप? दो दिन।